लोग अपने वजन को कंट्रोल में रखने के लिए कई तरीके आजमा रहे हैं। इनमें सबसे पॉपुलर है इंटरमिटेंट फास्टिंग और खासकर 5/2 का डाइट प्लान। लेकिन ये डाइट वाकई असरदार है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दरअसल 5/2 डाइट प्लान इंटरमिटेंट फास्टिंग का ही एक हिस्सा है। इसमें लोग हफ्ते के 5 दिन तक नॉर्मल खाना खाते हैं, जबकि बाकी 2 दिनों में कैलोरी को लिमिट में रखा जाता है, यानी कि सिर्फ 500 से 600 कैलोरी का सेवन किया जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से वजन कम करने में इसलिए मदद मिलती है क्योंकि जब शरीर को कम कैलोरी मिलती है तो वो पहले से जमा फैट को बर्न करने लगता है, और इस प्लान के दौरान मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में भी मदद मिलती है। इतना ही नहीं, कुछ स्टडीज में भी ये पाया गया है कि इस तरीके से वजन घटाने के साथ साथ डायबिटीज कंट्रोल करने में भी मदद मिल सकती है। हालांकि इस डाइट को फॉलो करना सभी के लिए सही नहीं हो सकता। एक्सपर्ट्स की माने तो लंबे समय तक बिना खाना खाए रहने से कुछ लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी या किसी तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। खासकर उन लोगों के लिए ये मुश्किल हो सकता है जो पहले से किसी हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन या हाइपोग्लाइसीमिया। इस तरह की डाइट को फॉलो करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। कई बार लोग भूखे रहकर या असंतुलित डाइट लेकर जल्दी वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन इससे शरीर को नुकसान भी हो सकता है, जैसे पराठे, चावल या घी तेल से बने खाने के बजाय फल, सब्जियां और फाइबर रिच खाने पर भी ध्यान देने की सलाह दी जाती है। तो अगर आप भी 5/2 डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करना चाहते हैं तो सही जानकारी और सही तरीके से करें। सेहत को बेहतर बनाना आसान है अगर आप सही डायरेक्शन और तरीके को अपनाएं। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthside.com।